अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेफी मैथ्स। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो सीरीज में तहां के वेलकम किया तो वह नई वीडियो सीरीज है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वारन जी। तो हन में अस चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक एंड एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कवर कंदासी। इंट्रोड्यूस बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। अचो हाँ डेफिनेशन से अचूँ। डेफिनेशन का पैर जैसे चवं तो हफ्ते के ढीह जहाँ नाला, जैसे अस चूँ हफ्ते के ढीह जहाँ नाला तो असेंगे जहन में ऑटोमेटिकली अची वो है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जैसे चवं मंथ्स इन ईयर तो जनवरी का वही डिसंबर तीन असें जहन में अची वो जैसे चवं तुझे यूर फैमिली मेंबर्स तो तुझे फैमिली मेंबर्स जहाँ नाला तुझे जहन में अची वा। जैसे चवं स्टूडेंट्स इन क्लास एट ऑफ ऑफ यूर स्कूल तो तुझे स्कूल में जो अठे क्लास में बार पढ़ा उन नाला तुझे जहन में अची वा। ठीक है, ये ही सेट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाँ इतने अचन थी बैं तो कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन छाजो हो बिन शयन जो ब प्रॉपर्टीज होजन उनमें। ब प्रॉपर्टीज कड़ी, एक वेल डिफाइंड हो यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन हो जैसे बारे में पूरी जान मिलल होने का डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स उनमें शून उ यूनिक होजन, मुख्तलिफ होजन। अड़े किस्म के कलेक्शन के असा चवंदा सेट चवंदा। फॉर एग्जाम्पल हम वाल तक एग्जाम्पल बुधायम पे पर वरी भी लिखी तो दियाँ बस। हाँ तुझे जहन में अची वा उ पंज अठ दह या पंद्रह जो तुझा फैमिली मेंबर्स हैं उन नाला यानी यो पो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली वही उन फैमिली मेंबर्स में जो भी होंदा उ सब यूनिक होंदा। बो एक मिसाल दई छा डेज ऑफ पाकिस्तान ये सब ये सेट हैं। उन कदें कदें अस अची वा कुछ अड़ा मिसाल जी अस लगना तो सेट हैं पर उ सेट ना हूँ छो जो उन बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिलल हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे मैं लिखा स्टूडेंट्स तो तुम चवंदो सर सेट है। ठीक है, पर असल में यो सेट ना हूँ छो जो इन बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिलल। स्टूडेंट्स तो हैं, स्टूडेंट्स जो कलेक्शन तो है, पर कड़ा स्टूडेंट्स छो जो स्टूडेंट्स हर क्लास वारा थी सकंदा, हर स्कूल वारा थी सकंदा, हर मुल्क में थी सकंदा, पूरी दुनिया में अलग केतरा स्टूडेंट्स हैं इतने असेंगे स्पेसिफाई नो दे। हाँ जैसे चवं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, जैसे चवं अठे क्लास जहाँ शागिर्द इतने भी स्पेसिफाई नी छो जो तुझे शहर में, तुझे सूबे में, तुझे मुल्क में अलग केतरा अठे क्लास जहाँ शागिर्द हूँ। बल्कि अस जैसे मुल्क का बाहर वनूँ तो पूरी दुनिया में अठे क्लास जहाँ केतरा शागिर्द हूँ तो यो स्पेसिफाई नो दे। पर जैसे मैं हिं लिखा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट ऑफ गवर्नमेंट बॉयज लोअर सेकेंडरी स्कूल एलिमेंट्री दादू। हाँ ऐसो हाँ इनके सेट चवंद छो छो जो इतने पूरी इन्फॉर्मेशन मिली वही तो स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट्स कड़ा जी अठे क्लास में था पढ़न, कड़े स्कूल में था पढ़न, गवर्नमेंट बॉयज लोअर सेकेंडरी एलिमेंट्री स्कूल दादू। ठीक है, तो इन किस्म के अस इन में अस चवंदा सेट छो जो इतने इतने पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलल है। उन सब डिफरेंट भी हैं मैथमेटिक्स टीचर्स यो न थींदो। ठीक है, खाली जैसे चव मैथमेटिक्स टीचर छो जो दुनिया में अलग केतरा मैथमेटिक्स टीचर हूँ, पर मैं जैसे चव मैथमेटिक्स टीचर्स इन यूर स्कूल तुझे स्कूल में ब टे चार पंज जो भी हूँ उजा हूँ मैथमेटिक्स जहाँ टीचर उ सेट थी। ठीक है, तो हाँ अस अचूँ था बेसिक शून सेट जो उन्होंने पॉइंट्स ऑफ सेट में छा है। सब का पैर तो सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट हमेशा ए बी सी के वन लेटर्स से जाहिर किया वो है, ए बी अप टू जेड। सेट हमेशा तुम वही ए बी सी में लिख दो, नंढी ए बी सी में कदें भी जाहिर न कौ। उन एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हूँ वे जाहिर थन्दा स्मॉल लेटर्स से थन्दा, नंढी ए बी सी से थन्दा। नंढी ए बी सी तक खबर है कड़ी होंगी है, ए बी सी अप टू जेड। ठीक है, हाँ कि मिसाल जैसे मुख्य को सेट लिखो है तो मैं सेट ए लिखम सी डी ई। ठीक है, उन जो को लिखा तो सेट एम इक्वल एक्स वाई जेड इो भी सही है, पर जैसे लिखा एक्स बराबर ए बी सी। ठीक है, ए बी सी अगर मैं लिखा तो यो गलत है छो जो इतने नंढी ए बी सी दिनल है, नंढी ए बी सी अस ना रही सकूँ। ठीक है, या अंदर भी अस ना लिखी सकूँ। फॉर एग्जाम्पल इतने बाहर तो एक्स लिखा तो पर इतने तो लिखा ए बी सी। हाँ इतने ऐसो वही ए बी सी अची वही इो भी यो भी गलत थो। उन एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास।
सेट जहाँ जो एलिमेंट्स उ कामा के जरिए अलग थन्दा मिसाल मां लिखा तो इतने ए बी एंड सी ठीक है बो लिखा तो ए बी सी हाँ इतो काम है माना इतने सेट जहाँ एलिमेंट्स अलग अलग थे इतने जैसे पुछे पा घा एलिमेंट्स चवे इतने टे एलिमेंट्स पर इतने का भी काम को पुछे इन में भला घा एलिमेंट्स चवे इतने एकड़ो ही एलिमेंट है ठीक है उन्हें अचूँ सेट इज ऑलवेज इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट्स बाबा सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में थी कर्ली ब्रैकेट्स का सवा बी का भी ब्रैकेट जो सेट के नी लिखी सके कि मिसाल मैं इतने लिखा तो वन टू थ्री इो ही तरीको सही है पर जो कें लिखे वन टू थ्री इो बी का शी सके तो पर सेट नो सके जैसे कें लिखे तो वन टू थ्री इो भी बी का शी सके तो पर सेट नो सके रिपीटेशन इज नॉट अलोड सेट में जो एलिमेंट्स उ रिपीट ना सन जैसे वन एक दफो आयो तो बो दफो नो अची सो दफो इंद पर जो तो वो गलत होंद मिसाल वन टू थ्री टू इन में ये जो रिपीट थो यो गलत है जैसे तक केर चे बबा सिफान वर्ड है इनके तुम लिखी दिखार सेट के अंदर इनजा जो लेटर्स उ अलग अलग कर सेट में लिखो तो एस लिख ए लिख आए लिख एफ लिख ए जैसे इंद तो ए असो अग में लिखल है यो न लिख आखिर में तुम एन लिख होप कि इं क्लियर थी वही हूँ उन ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर का भी ऑर्डर की का भी अहमियत को वन टू थ्री बराबर होंद टू थ्री वन के बराबर होंद वन थ्री टू के बराबर होंद टू वन थ्री के अगते पौते केतरो भी करें लिखो सेट से को भी फर्क कोन पवो जैसे अगते पौते एलिमेंट्स सागा एक जितरा तो वो पा में बराबर होंद तो लेक्चर नंबर वन में एतरो ही था कि अगते जो नेक्स्ट है उन्हें में समझाइंदोमांव तव्हांखे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।